हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ देखने वाले हैं। लगभग 30 से ज़्यादा जो है पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली काफ़ी सारे कैंडिडेट की क्वेरी रहती है कि CLIS मतलब सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी भी यहाँ पर है या नहीं है, अभी आ रही है। तो अभी काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ है जिनमें सर्टिफिकेट कोर्स वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाई वन जितने भी आपकी वैकेंसीज़ होगी, सभी की डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर कर दी जाती है, तो वहाँ से आप सबसे पहले अपडेट ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी, उन सभी के जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे दे दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी है सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से है। यहाँ पर जो आप पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की 6 पोस्ट है, रिजर्व कैटेगरी की 5 है और आपकी ST की 1 पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 दी हुई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की गई है कि 10th पास और साथ में आपने सर्टिफिकेट कोर्स जो कर रखा है वो यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। अप्लाई करने के लिए एसेंशियल ज़रूरी होता है, डिज़ायरेबल भी यहाँ पर आगे की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। बाकी अप्लाई करने के लिए एसेंशियल ही ज़रूरी होता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगी 22 सितंबर 2021 तक है। और यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप का जो इसमें लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वीडियो के नीचे मैंने दिया हुआ है, जहाँ से आप जाके इनका जो है अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। तो ये आपकी वैकेंसी है जिसमें आपके 6 पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट के, इसमें आपकी योग्यता है सर्टिफिकेट कोर्स की, तो जल्दी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हमने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर दी है, तो वहाँ से आप जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस कैंडिडेट ही उस चैनल से जुड़े, क्योंकि वहाँ पर लाइब्रेरी साइंस जॉब्स ही आपको शेयर की जाती है। बाकी के लिए अदर चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी आपको वैकेंसी हम बात करें, ये आपके इंस्टीट्यूट की वैकेंसी है। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट इसमें दी हुई है, जैसे किस तरह से जो नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि हम बात करें, तो ये आपकी वैकेंसी है कमल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है, टीचिंग स्टाफ की भी है और आप लोकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर पोस्ट PGT TGT की है, इसके अलावा प्राइमरी नर्सरी टीचर की यहाँ पर पोस्ट है। साथ में हम बात करें जो नॉन टीचिंग स्टाफ में आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की यहाँ पर पोस्ट है। जो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें आपको उनको कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना होता है। इनकी ईमेल दी हुई है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, बाकी डिटेल्स आप दे सकते हैं और जल्द से आप इनको ईमेल के थ्रू अपना जो है रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। अगली वैकेंसी हम देखते हैं, अगली वैकेंसी यहाँ पर है कालिंदी महाविद्यालय कालिंदी कॉलेज की तरफ से। इसमें आपकी पोस्ट जो है टोटल हम बात करें 6 है। पहली आपकी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, ये भी आपकी लाइब्रेरी साइंस से ही है, जब आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तब। MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट है, 5 पोस्ट यहाँ पर है। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है पोस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो रहेगी, आपकी ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी यहाँ पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, आपने BLIS या फिर BLIP कर रखी हो 50% मार्क्स होने चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपने ग्रेजुएट PG लेवल का 6 महीने का कोर्स कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th क्लास आपने पास कर रखी हो, साथ में आपके पास CLIS मतलब आपने सर्टिफिकेट कोर्स जो है लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपने कंप्लीट कर रखा हो। डिज़ायरेबल यहाँ पर जो है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एट लाइब्रेरी सेकेंडरी लेवल, और ये तो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी MTS के लिए। तो इस तरह से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड कर सकते हैं इनको, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। एग्जामिनेशन आपका ली जाएगी और ये आप नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 6 सितंबर की लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी, इसकी डिटेल्स मैंने वीडियो के नीचे लिंक के थ्रू शेयर कर दी है। तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हो चुकी हैं, नेक्स्ट वैकेंसीज़ पर हम मूव करते हैं और बाकी सभी की डिटेल्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो वहाँ से आप ज़रूर जुड़ करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, अगली वैकेंसी यहाँ पर केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
श्यामला हिल्स भोपाल की तरफ से है। इस तरह के जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होते हैं ये टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है पहले ही, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर है, तो इनमें आपको काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन हम बात करें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, जो आपकी पोस्ट है वो आपके यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, तो इसमें आप इसकी जो डिटेल्स है इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो ये आप ज़रूर जाकर के इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट इसमें जो है दी गई है, अगली वैकेंसी यहाँ पर हम देखें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जितने भी जारी किए गए हैं, तो इसकी जो यहाँ पर है वो आपकी डेट है वो निकल चुकी है। अगली वैकेंसी यहाँ पर हम देखें, तो ये आपके स्कूल की तरफ से है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर है, लाइब्रेरियन के यहाँ पर पोस्ट है, इसमें आप अपना जो है ईमेल आईडी पर रिज्यूमे सेंड करने की आज लास्ट डेट है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें। लाइब्रेरियन के यहाँ पर पोस्ट है काफ़ी सारी, जो टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर आपकी पोस्ट है, अगर आप उनमें भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नॉन फैकल्टी पोजीशन की यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर जो दी गई है काशीपुर की तरफ से, इसमें पोस्ट कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। असिस्टेंट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पर रहेगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, 15 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो इस तरह के जितने भी शॉर्ट नोटिफिकेशन हैं आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें आप ज़रूर अभी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वैकेंसीज़ रहती है उनकी जानकारी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट एक लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर हर एक वैकेंसी की जानकारी आप ले सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं, डेली आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी नई नई वैकेंसीज अपडेट हुई है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जो डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेनी हो, बाकी कैंडिडेट से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, या फिर किस तरह से अप्लाई करें सभी के रिगार्डिंग, तो एडमिन जो पैनल है आपका जितना हो सके सहयोग करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और इसके अलावा पिछले दिनों एक और वीडियो शेयर किया गया था, उसमें 25 के आसपास जो वैकेंसी रही थी उनकी जानकारी हमने उसमें दी थी, तो उसकी जो वैकेंसी जानकारी हमने दी है उसमें हमने मेंशन इसमें नहीं की है, तो उसके काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो ऐसी है जिनके अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना है। बाकी जो जितनी भी डिटेल्स रहती है वो हम ऑलमोस्ट टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, बट आप अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं किस तरह से अप्लाई करना है ये सब, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिनके अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। बाकी आज के जितने भी वैकेंसीज हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, स्पेशली आज की जो वैकेंसीज है आपकी काफ़ी सारी पोस्ट आपने सर्टिफिकेट कोर्स रिलेटेड देखी है, तो इस तरह की बाकी वैकेंसीज़ के लिए भी बने रहिए चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ। तो आज के वीडियो पर इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।